हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे निर्मल बैंक बियॉन्ड मोबाइल एप्लीकेशन से अपने ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड कैसे रीसेट करना है। यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो और यदि आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हो तो आपको पासवर्ड कैसे जनरेट करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको एप्लीकेशन ओपन करना है, बियॉन्ड एप्लीकेशन, उसमें आपका आईडी एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो फॉरगॉट पासवर्ड का टैब है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करो। अभी 180 सेकंड्स के अंदर हमें ओटीपी आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड एसएमएस, टेक्स्ट एसएमएस आ जाएगा अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। ये देखिए आ गया, इसे मैंने कॉपी कर दिया। अभी यहाँ पे मैं एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ, या फिर आप कहीं पे नोट करके एज इट इज़ आप यहाँ पे एंटर करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, सबमिट कर दिया तो मुझे फॉरगॉट पासवर्ड रिक्वेस्ट सेंट आया। जैसे अभी मैं इसे ओके कर रहा हूँ, ओके करने के बाद अभी मुझे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे फिर से पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड का एसएमएस आ जाएगा, टेक्स्ट एसएमएस, और रजिस्टर ईमेल आईडी पे मेल भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए मुझे पासवर्ड आ गया। ओके, ये देखिए मुझे पासवर्ड आ गया, ये देखिए मेरा पासवर्ड, ये मुझे पासवर्ड मिल गया। अभी मुझे सेम मेल भी आया रहेगा। ठीक है, मेल पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेल भी आ गया, दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए B3R72, ठीक है, और यहाँ पे भी है देखिए B3R72। ओके, मतलब यहाँ से अभी कॉपी करूँगा, कॉपी करके अभी मैं बियॉन्ड में जा रूँगा। बियॉन्ड में यहाँ पे आईडी एंटर किया, एंटर पासवर्ड पे क्लिक करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, या फिर आप एंटर भी कर सकते हो। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो आपने जो एंटर किया है वो प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, और आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपको योर पासवर्ड हैज़ एक्सपायर्ड, काइंडली चेंज इट टू लॉगिन, मतलब आपको अभी जो पासवर्ड मिला था वो वन टाइम पासवर्ड था, वो आपको एक्सपायर हो गया, तो आपको ओके करना है। उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड का विंडो आएगा, मतलब अभी आपको जो ओल्ड पासवर्ड जो मिला, लॉगिन पासवर्ड जो आपको एसएमएस और मेल पे आया है, वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। मैंने पेस्ट कर दिया एज इट इज़। अभी न्यू पासवर्ड, आपको खुद का पासवर्ड एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको जो पासवर्ड एंटर करना है यहाँ पर, वो आपका पासवर्ड एक तो अल्फा न्यूमेरिक में चाहिए आपको, और यहाँ पे आपको जो लेंथ है पासवर्ड का, ठीक है, वो पासवर्ड का लेंथ आपको 6 डिजिट या फिर मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर का चाहिए। ठीक, तो अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड, मेरा खुद का पासवर्ड मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी एंटर करना है। जो आप न्यू पासवर्ड में एंटर करोगे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है। तो यहाँ पे इस साइन पे आप क्लिक करके आप पासवर्ड भी आपका चेक कर सकते हो, आपने जो एंटर किया है वो राइट है क्या नहीं। ठीक है, अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ। देखिए नीचे मैसेज आ गया, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, मतलब आपका यहाँ पे लॉगिन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको चेंज भी करना रहेगा। अभी अपने जो चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे है, प्रेफरेंस में जाना है आपको। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो मेनू आर्क है इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करके ये जो प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको यहाँ पे देखिए पासवर्ड और एम पिन का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप पासवर्ड आपका चेंज कर सकते हो और एम पिन भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।